हाय फ्रेंड्स, मैं सुगंधा ठाकुर आपके लिए कुछ नई टिप्स लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, एक समय था जब हम घड़े में रखा पानी पीतल या स्टील के ग्लास में पिया करते थे। उसके बाद पीतल या स्टील की जगह ले ली कांच के ग्लास ने, और अब तो रेफ्रिजरेटर और बोतल बंद पानी पीने का जमाना है। बोतल भी कौन सी, प्लास्टिक की। पर क्या आप जानते हैं प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है? तो आइए मैं आपको प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने के 7 अहम नुकसान बताती हूँ। प्लास्टिक की बोतल बनाने में बिस्फिनॉल ए इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल के कारण याददाश्त कमजोर हो सकती है, दिमागी कामकाज पर असर पड़ सकता है, भूलने की भी बीमारी हो सकती है। दूसरा नुकसान ये है कि बिस्फिनॉल ए का पेट पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, पेट में गैस बनती है, कब्ज होता है, यानी पूरा डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ जाता है। अब तीसरा नुकसान भी सुन लीजिए। धूप या किसी और वजह से जब बोतल गर्म हो जाती है, प्लास्टिक में मौजूद केमिकल डायोक्सिन का पानी में रिसाव होने लगता है। डायोक्सिन पानी में घुलकर हमारे शरीर में जाता है, जिससे कई तरीके के कैंसर, खासकर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। अगर प्लास्टिक की बोतलों से इतना नुकसान होता है तो हम इनका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करने में आसान होती हैं। रेफ्रिजरेटर में पानी रखने के लिए प्लास्टिक की बोतलों से बेहतर भला क्या हो सकता है? पर आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बोतलें खाली होने के बाद दोबारा भरने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि इन बोतलों में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपने लगते हैं। एक और टिप, बहुत छोटी सी। प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करनी ही हो तो सस्ती बोतल ना खरीदें। भले ही महंगी सही, लेकिन ब्रांडेड खरीदें, क्योंकि सस्ती बोतलों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल ब्रांडेड बोतलों के मुकाबले थोड़ी सी गर्माहट पाते ही पानी में घुलने लगते हैं। लगे हाथ छठवां नुकसान भी सुन लीजिए, ये भी कम खतरनाक नहीं है। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीती हैं, तो जन्म लेने वाले बच्चे में जन्म से ही कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हाँ, जिन महिलाओं का पहले से मिसकैरेज हो चुका है, वो अगर प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल जारी रखती हैं, उन्हें प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपने क्या समझा, प्लास्टिक की बोतलें सिर्फ महिलाओं को ही नुकसान करती हैं? अरे, ये तो पुरुषों को पिता बनने के लायक ही नहीं छोड़ती हैं। जी हाँ, सही कह रही हूँ। प्लास्टिक की बोतलें पुरुषों में स्पर्म काउंट कम करती हैं, जिससे पिता बनने में दिक्कत आ सकती है। तो फिर क्या सोचा, प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल जारी रखना है या फिर? सोच कर बताएंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।